हाँ बोलो। ओके ठीक है मैं मिलता हूँ तुम। ओके सर। किससे बातें कर रहे हैं सर जी? कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? अल्पा। सो हाय रब्बा, सर जी ने इस औरत को मिलने के लिए मुझसे झूठ बोला। मुझे बताकर भी तो मिल सकते थे इससे। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा सर? अल्पा, अगर हमने हार मान ली ना तो फिर से तुम दोनों को टॉर्चर करेगा। लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप उसे कब तक पैसे देते रहेंगे? तुम मेरी फिक्र मत करो अल्पा। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बहुत फिक्र है। अगर तुम दोनों उसके पास वापस चले गए तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चाची आप इसे कहाँ जाने से रोक रहे? और इसके बच्चे की जिंदगी कौन बर्बाद करना चाहता है? सॉरी सर जी, मैंने आपका पीछा किया, पर मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपके झूठ बोलने के पीछे वजह क्या है। इसीलिए आप मुझे बता के भी तो इससे मिलने आ सकते थे ना। आ सकता था मोना जी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मोना जी ये अल्पा है। नमस्ते। कांति भाई की पत्नी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे वो इस साल के अकाउंट की फाइल चाहिए। अल्पा घर लेके गई थी, उन्हें कुछ काम खत्म करना था इसीलिए। वो फाइल तो बहुत अर्जेंट चाहिए थी मुझे। कोई बात नहीं, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, उसके घर से ले लूँगा। बच्चे के बारे में तो सोचो। इसके बाप ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इंसान नहीं है, वो शैतान है, शैतान। ऐसे इंसान के साथ जीने से मरना अच्छा है। अल्पा तो तुम कंप्लेन कर, लेकिन अपने और अपने बच्चे की जान क्यों ले रही हो तुम? अल्पा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की पूरी देखभाल करूंगा। चलो बाहर आओ। आप वादा कीजिए कि आप मुझे और मेरे बच्चे को अब मेरे पति से बचा के रखेंगे और उन्हें कभी पता नहीं चलने देंगे कि हम जिंदा हैं। ठीक है खरन, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। अब तुम बाहर निकलो। रब्बा, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कांति भाई तो सच्ची बहुत बड़ा राक्षस है। सच्ची अगर इसे पता लग गया ये जिंदा है तो ये इसकी जिंदगी नर्क बना देगा। कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में नर्क लिखा है तो नर्क ही सही, मगर अब मैं उसे आदित्य सर को और ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे ब्लैकमेल करेगा वो? अरे हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, जेल की चक्की पीसेगा ना, तभी उसकी अकल दिखाने आएगी। नहीं मोना जी, ये इतना आसान नहीं। अगर पुलिस को पता चल गया कि अल्पा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी, तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उस कांति भाई ने ही तो उसको मजबूर किया था ना आत्महत्या करने के लिए, इसमें इसकी क्या गलती है? मोना जी, अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास कांति के खिलाफ कोई सबूत नहीं। फंस चुके हैं, कांति को पैसे देने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। नहीं सर जी, मैं आपको उस कांति भाई के आगे घुटने नहीं टेकने दूंगी। अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो हम सबूत इकट्ठा करेंगे। मोना जी, ऐसा मत कहिए, ये अल्पा और उसके बेटे की जिंदगी का सवाल। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, कब तक ये चुप चुप के ऐसे जिएगी? ऐसे तो इसकी जिंदगी सच में नर्क बन जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। अगर मन में चाहा तो सब मुमकिन होता है। देखना, बहुत जल्दी वो दुष्ट जेल की सलाखों के पीछे होगा। श्रीनाथ जी, करण, करण, क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? पेट में बहुत जलन हो रही है, एसिडिटी हो गई होगी। रुक, मैं तुझे गोली देती हूँ, अभी आराम कर जाएगा। कहा था ना मैंने, चटपटा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मान लिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। क्या आपके मना करने के बावजूद इसने चटपटा खाया? हाँ, वो मतलब। लेकिन चाय जी, आपको उसे चटपटा बना के देना ही नहीं चाहिए था। नहीं करण, इन्होंने नहीं बनाया खाना, बाहर से मंगाकर खाया है। पागल हो गई हो तुम? तुमने बाहर से चटपटा खाना मंगवा के खाया क्यों? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चे की तो फिक्र करो हेतल। करण, अगर इस घर में कोई मेरी फिक्र नहीं करेगा तो खुद की फिक्र तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, नहीं मंगाती आज के बाद बाहर से खाना। जो भी खाने का मन करेगा खुद जाके बनाऊंगी रसोई में। बेकार की बहस मत करो हेतल, इस घर में सब तुम्हारी फिक्र करते हैं। लेकिन तुम चाय जी को इस तरह अपने इशारों पर नहीं नचा सकती, ठीक है? ना करण, मेरी क्या मजाल है मैं इनको अपने इशारों में नचाऊं? उस काम के लिए तो तुम्हारी मम्मी चाची है ना इस घर में। सारा दिन सब लोग उन्हीं के इशारों पे तो नाचते रहते हैं और इसी वजह से मुझे बाहर से खाना मंगा के खाना पड़ता है। बस हेतल, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। ना तुम मेरे प्यार के लायक हो और ना इस परिवार के। तुम क्या कह रहे हो करण? करण, 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 करण सुनो। बने वहां कौन है? मां कौन है वहां पे? तो मर चुकी हो ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मानने आई। लेकिन मैंने क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुमने मुझे मारा है और अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने आदित्य सर को फंसा दिया। नहीं, मैंने नहीं फंसा। तुमने मारा है मुझे। कातिल हो तुम मेरे और मेरे बच्चे की। देखो देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कर। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने नहीं जलाया तुम्हें। आग मैंने लगाई, मगर ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हारे अत्याचारों ने, तुम्हारी मार खा खा के मैं रात दिन थक गई थी। तो क्या करती? मैंने खत्म कर लिया खुद को और अपने बच्चे को। तुम हम दोनों के हत्यारे हो, हत्यारे। हाँ, सच कह रही हो तुम। मैंने बहुत अत्याचार किया तुम पर, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ क्यों कर दो तुम्हें? माफ बोलो, बताओ, तुम ऐसा क्यों करते थे? मैं बहुत परेशान हो गया था, जलता था तुम्हारी तरक्की से। इससे तुम्हें जलील करता था, तुम पर गुस्सा करता था, तुम्हें मारता था। मेरे पास काम नहीं था ना, बेकारी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। इसलिए सारा गुस्सा मैं तुम पर निकालता था। तो मुझे शराब पीने के लिए पैसा नहीं देती थी, मुझे तरसाती थी, इसलिए मारता था मैं। मक्कार, तूने अपनी बेकारी की सजा मुझे दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो और चली जाओ यहाँ से। चैन से जीने दो मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम यहाँ से गई नहीं? जाओ अपनी दुनिया में, जाओ। मैं अपनी ही दुनिया में, लेकिन अब मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम जैसा घटिया इंसान ना किसी का पति हो सकता है और ना ही बाप। तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में लेके जाने के लिए इंस्पेक्टर साहब आए। सर, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए। अरे तो तुम मरी नहीं अभी? नहीं, मैं जिंदा हूँ, आदित्य सर के बदौलत। तुमने तो मुझे मौत के खाई में कब का ढकेल दिया था, इन्होंने मुझे बचाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इन दोनों की साजिश है। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, ये रहा सबूत। तो मुझे शराब पीने के लिए पैसा नहीं देती थी ना, मुझे तरसाती थी, इसलिए मारता था। तुम्हारा बयान इसमें रिकॉर्डेड, जो तुमने खुद कबूल किया। ये रहा सबूत इंस्पेक्टर साहब, लीजिए, हमारे पास सबूत है। अब तुम्हें जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। आपकी जगह शरीफों का घर नहीं है रहने के लिए। आपको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए, ये लोग सब मिलकर। अरे हवलदार, आप क्या कर रहे हो यार? मेरे आप दोनों ने मुझे बचा लिया, थैंक्स। अब मैं अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। चलो। थैंक्स मनोज, मुझ पे भरोसा करने के लिए। यह भरोसा कभी टूटने मत देना। ये भी कोई कहने की बात है भाई को। ये भरोसा तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। थैंक्स मेरा साथ देने के लिए मनोज। थैंक्स तो परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। सोचिए। मोना, हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। अगर तुमने आदित्य का साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं हम लोग भी कांति की बातों में आ जाते और उसकी सच्चाई कभी हमारे सामने नहीं आती। तुमने न सिर्फ आदित्य का साथ दिया बल्कि उस पर भरोसा किया है और ये बहुत बड़ी बात है मोना। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मोना जी ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो कांति आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रहा होता और मैं उसे पैसे दे रहा होता। आप लोग बेकार में मुझे थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स तो अल्पा को कहना चाहिए। अगर ये हमारी मदद नहीं करती तो वो कांति की सच्चाई हमारे सामने कभी भी नहीं आती। सही कह रही है मोना जी, अल्पा ने बहुत हिम्मत का काम किया है। लेकिन अल्पा तुम चिंता मत करना, जिस तरह से मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखा है आगे भी वैसे ही सपोर्ट करूंगा तुम दोनों को। डोंट वरी। थैंक्स सर, पर मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशानी की क्या बात है, तो पराई थोड़ी है, मेरे बहन की बहू है, इस नाते इस परिवार का हिस्सा है तू, तेरा तो हक बनता है। मासी जी वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती हूँ। अगर आदित्य सर मुझे गांधीनगर वाले ऑफिस में जॉब दे दें तो मैं अपनी जिंदगी स्वाभिमान से जी सकती हूँ। बिल्कुल अल्पा, ये कोई कहने की बात है? मेरे ऑफिस में आज भी तुम्हारी जगह खाली पड़ी, मैं अपने पीए से बोल देता हूँ, वो तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट कर देगा कंपनी की तरफ से। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मासी जी, अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, ख्याल रखना अपना, फोन करती रहना। बहुत खुश हूँ जिस तरह से तूने आदित्य का साथ दिया, वरना पता नहीं क्या होता बेचारी का। नहीं अम्मा जी, साथ कैसे नहीं देती, सर जी ने भी तो हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, तो मुझे तो उनका साथ देना ही था ना। अरे मोना जी, वो जो शादी की पेमेंट थी ना, वो मेरे अकाउंट में आ गई है। आपके सारे पैसे अब मेरे पास है, जब चाहिए ले लीजिए। मेरे नहीं, हमारे। आखिर हम दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी, हम वो पैसा आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा क्या मतलब है कि जो पैसा खर्चा होगा घर पे ही खर्चा होगा, फिर आधा आधा करने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन कुछ नहीं, अम्बा जी ने एकदम ठीक बात कही। आप वो पैसे हम दोनों के, आपके अकाउंट में रहने दीजिए, जो भी खर्चा होगा घर पे वो आप कर दीजिएगा। ठीक है। इतनी अच्छी खबर सुनाई है सर जी ने, अब तो घर में पार्टी शार्टी होनी चाहिए। बाय। मैंने मम्मी जी को फोन कर दूंगी, कल हम सब साथ में डिनर करेंगे। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। ठाकुर जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें, ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे का साथ। ठाकुर जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें, ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना। अभी ये मैं क्या देख रही हूं हैं? अरे विजय भाई आओ आओ, जय श्री कृष्ण। रेवा दो, खुशी का झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी स्वार्थी माँ है आप, इतनी जल्दी अपने बेटे की जगह किसी और लड़की को दे दी। बीजल तू भूल रही है, आदित्य भी भारती का ही बेटा है। बोल छोटा भाई आप भी कमाल है, इनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है। मैं और बाप कुछ दिनों के लिए क्या इस घर से गए, आप लोगों ने तो पूरा फायदा उठा लिया उसका। ऐसे इस घर के माहौल को देखकर लगता नहीं है कि कुछ दिन पहले इस घर में जवान बेटे की मौत हुई है।